ये पोकेमोन जर्नी सीरीज की टॉप 10 बिगेस्ट मिस्टेक होने वाली है, जहां पर नंबर 1 की मिस्टेक सबसे ज्यादा गुस्से वाली होने वाली है, लेकिन नंबर 3 की मिस्टेक सबसे ज्यादा इलॉजिकल होगी, लेकिन नंबर 5 की मिस्टेक सबसे डिसअपॉइंटिंग है, वरना नंबर 8 की मिस्टेक सबसे फनी भी है। शुरू करते हैं नंबर 10। जब एस किजम चैंपियन आर्क में हिस्सा ले रहा था, मतलब मास्टर चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा था, तब उसके पुराने पोकेमोन उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक एपिसोड के अंदर एस का टोरस उनको दिखाया गया। मिस्टेक ये नहीं है, मिस्टेक ये है कि इस टोरस की टेली गायब है, पूंछी गायब है। अरे मैं बता रहा है तुम्हें, ये प्रोफेसर हो गया चोर बाजार का बिजनेस करता है, और इसने टोरस की टेल को काट कर बेच दिया है। भाई साहब, एक टोरस की शान होती है उसकी टेल, उसको गायब कर दिया, गंदी बात यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नंबर 9, गैराडोस जब इंट्रोड्यूस हुआ था लेंस फोर्स लियोन के मुकाबले में, रेड गैराडोस की बात कर रहा हूं मैं, उस एपिसोड में एंकर जो होता है नल्ला कहीं का, वो बोलता है कि यार ये गैराडोस जो है गोल्ड मैजिक अब से ही बोल हुआ है। अजी घंटा, अगर तुमने जर्नी सीरीज देखा है तो तुम्हें पता होगा ये गोल्ड मैजिक अब से इवॉल्व नहीं हुआ, बल्कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था टीम रॉकेट के द्वारा। इफ यू नो यू नो। नंबर 8, क्या तुम्हें पता है पोकेमोन के एक एपिसोड में जब फैंटम पोकेमोन आता है उसकी पोकेडेक्स एंट्री को दिखाई जाती है 706, जो कि सरासर गलत है बे, बिकॉज ये पोकेडेक्स नंबर जो है और किसी का नहीं, दी स्यूडो लेजेंडरी पोकेमोन जो कि इसके पास था केलोस में घूट रखा है, जो कि यार इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है। ओ सॉरी माय मिस्टेक यार, पोकेडेक्स और किसी की नहीं गोकी है, तो ऐसी मिस्टेक तो चलती रहती है यार, बंदी स्कैम वाला है तो पोकेडेक्स भी स्कैम करेगी ना यार। नंबर 7, ये मिस्टेक भी स्कैम बॉय से है, यानी कि गो से, चैप्टर्स वर्सेस गो के रेबूट का हमको मुकाबला दिखाया गया। इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है पावर लेवल। अरे कल का आया हुआ बच्चा पोकेमोन द मॉन्स्टर पोकेमोन चैप्टर्स को ऑलमोस्ट डिफीट कर देता है, ये कहां का सेंस है भाई यार, लेवल 20 का ऑलमोस्ट रेबूट है ये यार, लेवल 60 70 80 के चैप्टर्स पे भारी कैसे पड़ सकता है बे, ये सबसे इलॉजिकल सीन में से एक है बता रहा हूं मैं। और नंबर 6 की मिस्टेक यार काफी भयानक है, मैं नहीं बताएगा तो तुम लोग बोलोगे कौन बताएगा, अरे तुम ही बताओगे, खुद पे काबिलियत पे सके क्या तुम्हें, हिंट ये रहा, बताओ इसमें क्या मिस्टेक है। नंबर 5 यार, सबसे डिसअपॉइंटिंग पर्सनली मेरे लिए, मतलब ग्रीनजा और सेरिना को लाकर बर्बाद कर देना कि कोई तुमसे सीखे यार, मतलब चलो ग्रीनजा के लिए तो एक बार के लिए माफ कर देता हूं कि यार उसको सही से दिखाया तुमने, लेकिन उसमें भी तुमने बॉन्ड इवोल्यूशन को हटा दिया, क्या मिला भाई, एक सीन में तुमको उसको क्रिएट ही तो करना था ना, तुमने उसको हटाने में इतनी मेहनत की भाई यार, वो का वो सीन तुम दिखा सकते थे, लेकिन ना हमको बनना है कूल बॉय, कूल नहीं फूल लग रहे थे तुम, बता रहा हूं मैं, ग्रिंजा को हटा दिया और हमारे इमोशन से तो नहीं मिटा पाओगे, हमारे दिल से कैसे मिटा पाओगे बॉन्ड इवोल्यूशन को, बताओ मुझे, ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मिस्टेक थी यहाँ की, बता रहा हूं मैं, मतलब क्या मिल गया, इसकी जर्नी एंड हो गई, बट हमको जाते जाते बॉन्ड इवोल्यूशन को छीन लिया, बैड बॉय ऐसा नहीं करते, लेकिन सही ना भाई, उसको तो दिखाया नहीं, एस और वो प्रॉपर 30 सेकंड भी एक दूसरे से मिले नहीं, शायद तक यही होता है सच्चा प्यार, मतलब एक दूसरे को खोना पड़ता है प्यार के अंदर, मैं जानता हूँ। बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, भाई हंस हंस के पागल हो जाओगे, एस किजम यार इंसान नहीं है, तुम लोग बोलोगे क्या पोकेमोन है, अरे पोकेमोन भी नहीं है, तो तुम बोलोगे क्या है भाई, वो एलियन है, एलियन उसकी 6 उंगलियां है भाई, भाई ये बंदा काफी चालाक है, वेरी चालाक ब्रो। फिर बात करते हैं नंबर 3 के बारे में, दी मोस्ट इलॉजिकल मिस्टेक एवर, मतलब यार डायंथा वर्सेस अपने लियोन के मुकाबले के अंदर हमको दिखाया गया कि यार डायंथा का पोकेमोन जो होता है ना हाइपर बीम से लियोन के ड्रैगापुल्ट को हरा देता है, बट कैसे, वो तो इम्यून होता है ना नॉर्मल पोकेमोन के अटैक से, भाई यार पोकेमोन की लीला पोकेमोन ही जाने। नंबर 2 इसी से रिलेटेड है, वो है लियोन वर्सेस डायंथा के मुकाबले को स्किप करना, सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज दी ओसम मुकाबले को हमने मिस कर दिया, भाई यार कितना अच्छा होता हम लियोन और डायंथा के मुकाबले को भी यार दिल लगाकर चैन लगाकर देखते, लेकिन ना इनको तो वर्सेस सिंथिया के मुकाबले को सेटअप करना था, मतलब गार्ड जंप और लुकर की फ्रेंडशिप पे दुश्मनी, मतलब एक दूसरे से मिलाना था, बट यार एक एपिसोड और ले लेते यार बॉन्डिंग मारने के लिए, बट ना 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 तुमको तो भाई हीरो बनना है, बट क्या ही बोलूँ, मिस्टेक काफ़ी बुरी थी। नंबर 1, इसका एनिमे सीरीज से जानना, इससे बड़ी मिस्टेक क्या हो सकती है कोई भाई यार, इसमें हमको दर्द हुआ, जो मिस्टेक फैंस को दर्द दे वो मिस्टेक सबसे बुरी है, और ये नंबर 1 पे आती है, तुम बताओ क्या लगा तुम्हें। सब्सक्राइब।